महंगाई दर को हम लोग कभी रोक नहीं सकते हैं, आगे चलते हैं। ठीक है, जीवन के सभी सपनों को यहाँ से पूरा किया जा सकता है। किससे? SLPS वेलनेस से। जीवन के सभी सपनों को पूरा किया जा सकता है। वो सपने कौन कौन से हैं हमारे, जो सपने हम लोग देखते हैं कि नहीं? सभी लोग देखते हैं सपने कि नहीं? अगर सपने देखते हैं तो वो कौन कौन से हैं? क्या कभी आपने अपनी डायरियों में लिखे हैं वो सपने? नहीं लिखे। अगर आपने सपना देखा है और उसका कोई इमेज ही नहीं है तो कैसे पूरे करोगे? हम लोग सोचते सब कुछ हैं, मगर क्या कभी उसको हम लोग लिखते हैं डायरियों में? नहीं लिखते। दिन में कितने सारे विचार हमारे मन में आते हैं, क्या हमको दूसरे तीसरे दिन याद रहता है कि हमने सुबह क्या सोचा था? नहीं याद रहता। क्यों? अगर हमारे दिमाग में कोई भी विचार आया और उसको हम तुरंत की तुरंत लिख लें डायरी में, तो वो हमेशा आपको याद रहेगा कि नहीं? एक हफ्ते पहले हमने क्या सोचा था, एक साल पहले हमने क्या सोचा था। लोगों के सपने रियल में इसीलिए पूरे नहीं होते हैं, वो सोचते हैं हमको ये काम करना है और सोच करके बहुत खुश हो जाते हैं, दो दिन बाद वो भूल जाते हैं कि हमने क्या सोचा था, है कि नहीं? हम पढ़ाई करते हैं तो हम सोचते हैं डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, मास्टर बनेंगे, और सब सोचते हैं और दो दिन बाद भूल जाते हैं। क्यों? उसको करने में हमको थोड़ी सी आती है तकलीफ, है कि नहीं? और जब तकलीफ आती है तो हम उसको छोड़ देते हैं, ड्रॉप कर देते हैं। हम सोचते हैं कि ये भी तो ऐसा नहीं कर रहा तो हम क्यों करें, है कि नहीं? तो ये सपने आपके कौन कौन से हैं, अलग अलग हो सकते हैं, आइए समझते हैं। AWPL करने से आपके जीवन में क्या क्या हो सकता है, या SLPS वेलनेस अगर आप करते हैं तो आपने जो भी सपने आज तक देखे हैं उन सपनों को आप पूरा कर सकते हैं। वो सपने कौन कौन से हैं समझिए। सबसे पहले है अपने पूरे परिवार की स्वास्थ्य की सुरक्षा। क्या यहाँ पर बैठा कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो ये चाहता हो कि उसके परिवार में कभी कोई बीमारी आए? नहीं, है ना? तो SLPS वेलनेस अगर आप करते हैं पूरे तरीके से, ईमानदारी से, तो आप अपने परिवार को हमेशा स्वस्थ रख सकते हैं कि नहीं, है कि नहीं? दूसरा सपना जो लोगों का होता है कि देश विदेश की यात्राएं करना। आप आसानी से यहाँ जैसे ही टोपाज बनते हैं यहाँ से आपकी देश विदेश की यात्राएं शुरू हो जाती हैं कि नहीं? टोपाज बनने के बाद थाईलैंड आपका 3 नाइट 4 डेज का है कि नहीं है? ठीक है, इसके बाद में और भी लोगों के सपने हैं। एक अच्छा सपनों का घर, कि काश हमारे पास में भी ऐसा घर होता, मगर ये सपना देखते देखते सोचते सोचते हमारा पूरा जीवन निकल जाता है और इस सोच को कभी भी हम अपनी डायरी में लिख नहीं पाते हैं और इसी कारण से ये सपना कभी हमारा पूरा नहीं हो पाता। सही है गलत है? हम लोग सोचते हैं कि जब हम अपना मकान बनाएंगे तो गेट ऐसा बनाएंगे, सीढ़ियाँ ऐसी बनाएंगे, किचन ऐसा बनाएंगे, मगर क्या वाकई में आपने कहीं उसको लिखा है? नहीं लिखा है। इसी वजह से वो चीज़ें आज दिमाग में आई हैं और कल ख़त्म हो गई, ठीक है ना? और भी जो बहुत सारी चीज़ें हैं, आपका सपना हो सकता है एक अच्छी गाड़ी, तो आप यहाँ से SLPS वेलनेस से काम करके अपने सपनों की कार भी खरीद सकते हैं, गाड़ी भी खरीद सकते हैं। सभी लोग चाहते हैं कि नहीं हमारे पास एक अच्छी गाड़ी हो, एक अच्छा घर हो, है कि नहीं? चलिए और आगे देखते हैं। लाइफ की सिक्योरिटी, हर परिवार चाहता है कि नहीं हमारे पूरे परिवार की लाइफ की सिक्योरिटी हो? SLPS वेलनेस हमको सिक्योरिटी दे रही है कि नहीं? एमराल्ड जिस दिन आपका फाइनल हो जाता है उस दिन के बाद 1 लाख रुपए से लेकर के 22 लाख रुपया फंड कंपनी आपको दे रही है कि नहीं दे रही है? आपकी ID आपके नॉमिनी के नाम से ट्रांसफ़र होती है कि नहीं होती? अगर आपके बच्चे पढ़ने लायक हैं तो आपके बच्चों को इंटर तक की पढ़ाई का पैसा SLPS वेलनेस दे रही है कि नहीं दे रही है? यानी कि यहाँ आप एमराल्ड बनते ही आपकी लाइफ की सिक्योरिटी भी हो जाती है, ठीक है ना? और भी सपने आपके हो सकते हैं, चलिए आगे देखते हैं क्या क्या है। समय से पहले रिटायरमेंट लेना, क्या आप चाहते हैं समय से पहले रिटायरमेंट लेना, या जब आप 60 के हो जाए काम करते करते उस टाइम रिटायरमेंट लेना है? चाहते हैं ना कि अगले 2-3-5 साल में हम यहाँ से पैसे के मामले में रिटायरमेंट ले लें,
रिटायरमेंट का लोग मतलब ही गलत समझते हैं। रिटायरमेंट का लोग मतलब समझते हैं कि अब हमको काम नहीं करना पड़ेगा। रिटायरमेंट का सही मतलब अगर हमारे हिसाब से देखा जाए तो पैसे के लिए काम ना करना पड़े, ये है सही रिटायरमेंट। आपको सोचना ना पड़े, अगर आपको एक महीने के लिए हॉलीडे पर जाना है, छुट्टी में जाना है, गोवा, मनाली, थाईलैंड, देश विदेश की यात्रा करने, तो आपको ये ना सोचना पड़े कि हमारे खर्च कैसे चलेंगे अगर हम काम नहीं करेंगे। रियल रिटायरमेंट ये है, आपको अपने खर्च के लिए, अपनी ज़रूरत के लिए आपको पैसे के बारे में सोचना ना पड़े, ठीक है ना। इसके साथ ही आपके और भी हो सकते हैं, क्या है, पैसिव इनकम। अगर आप SLPS वेलनेस को करते हैं तो यहाँ से आप पैसिव इनकम को भी प्राप्त कर सकते हैं, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत वाला पॉइंट है। आज हम देखते हैं कि हम लोगों ने काम तो शुरू कर दिया, मगर क्या वाकई में हम लोग इस पर काम कर रहे हैं, पैसिव इनकम के ऊपर क्या हम लोग काम कर रहे हैं, किस पर काम कर रहे हैं, एक्टिव इनकम के ऊपर। समझ में आ रही है बात, पैसिव इनकम और एक्टिव इनकम क्या है, ये पता है आप लोगों को। चलिए इसको भी थोड़ा सा समझते हैं एक मिनट में। एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम, ठीक है ना। एक्टिव इनकम क्या है, हम सुबह से शाम तक काम करते हैं, चाहे हम दुकान खोलते हों, ठीक है ना। एक दुकानदार अपने दुकान जाता है सुबह से लेकर के शाम तक दुकान खोलता है, एक मजदूर सुबह अपना टिफिन बांध के घर से निकलता है और दिन भर काम करता है, एक सर्विस मैन अपनी सर्विस में जाता है, या जो भी हम लोग काम कर रहे हैं उसके करने से जो हमको पैसा आता है वो है एक्टिव इनकम। आज आप काम पर जाएंगे, आज आपको पैसा मिलेगा, आज काम पर नहीं जाएंगे तो आपको पैसा नहीं मिलेगा, सिंपल है कि नहीं है। पैसिव इनकम क्या है कि एक बार आपने काम किया, उस काम का बेनिफिट आपको पूरे जीवन मिले, है कि नहीं। जैसे आपने देखा होगा रॉयल्टी वगैरह आती है, रॉयल्टी किनको आती है, ठीक है ना, सिंगर को आती है और आपके साइंटिस्ट को आती है कि नहीं। तो इन लोगों को रॉयल्टी आती है, किस लिए आती है, इनने एक बार काम किया और उसमें फिर दोबारा जब भी उसमें कुछ इनकम होगी या कुछ भी होगा तो उसको कुछ परसेंट हिस्सा उनको आएगा, ठीक है ना। मगर हम क्या रियल में पैसिव इनकम की तरफ आज तक हम लोग ध्यान दे पाए हैं, नहीं ध्यान दे रहे, हम लोग केवल एक्टिव इनकम की तरफ ध्यान दे रहे हैं। हम लोग काम कर रहे हैं SLPS वेलनेस में, मगर हम लोग काम एक नेटवर्क ना बना करके पर्सनल इंडिविजुअल काम किए जा रहे हैं। रियल में यहाँ पर अगर आप आए हैं तो आपको एक बड़ा नेटवर्क बनाना पड़ेगा, है कि नहीं। अगर आज आप अकेले काम कर रहे हैं और आपकी टीम में एक महीने में दो चार लोग भी आ जाते हैं तो जो काम आप कर रहे हैं वही काम वो भी करेंगे, तो इनकम बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, है कि नहीं। तो आप SLPS वेलनेस में ज्वाइन हो करके यहाँ से आप पैसिव इनकम भी बना सकते हैं, कमा सकते हैं, ठीक है ना। आगे चलें,